नहर ते उस दौरान एक बड़ा हादसा वापर गया जदो परिवार सने एक कार नहर च जा टिकी। परिवार दे नाल कार दे विच बच्चे भी सवार सन जिन्हां ने मदद लई आवाजां भी लगाईआं अते खुद जान बचाउण लई उस कार दी छत ते भी चढ़ गए, पर किसे वल्लों भी मदद नहीं मिली ते जदों कार पानी दे अंदर डोलन लगी तां बच्चे पानी च गिर गए अते फिर उस तों बाद सारा परिवार ही लापता हो गया। दस्सिया जा रहा है कि 15 मिनट तक एक कार पानी दे उत्ते तैरदी रही, पर कोई भी आस पास नहीं सी जो उन्हां दी जान बचा सके, जिसलिए पूरा दा पूरा परिवार ही कार सने इस नहर च डुब गया। 15 घंटे बाद कार बाहर कड्डी गई है, पर परिवार दे किसे जी दा भी कोई पता नहीं लग सकिया क्योंकि नहर दा पानी काफी तेज वहा दे नाल चल रहा है। हादसा पलवल किठवाड़ी नहर दे विच वापरिया है, जिथे एक ऑल्टो कार जिस विच एक परिवार सवार सी ते नाल बच्चे भी सवार सन, नहर दे कंडे आके संतुलन बिगड़िया ते कार नहर च जा डिगी। हालांकि संतुलन किवें बिगड़िया, हादसा किवें होया अजे तक साफ नहीं होया है। परिवार कित्थों दा रहन वाला सी भी अजे तक पता नहीं लग सकिया, पर इत्थे दस्या जा रहा है कि पूरा दा पूरा परिवार ही इस नहर दे विच कार सने डिग गया, डुब गया ते लापता है। कार तां मिल चुकी है, कार बाहर कढ ली गई है, पर गोताखोर हले भी परिवार नूं लभ रहे ने। इत्थे प्रशासन दे वल्लों भी ते स्थानक लोकां दे वल्लों भी तलाश कीती जा रही है परिवार दी। हालांकि इत्थे गोताखोरां दा भी मनना है कि पानी दा वहा इस कदर तेज है कि इहदे विच पानी दी सतह तक जाना थोड़ा औखा है, जिस करके उन्हां नूं लभना काफी मुश्किल हो रहा है। 15 घंटिआं बाद कार बाहर कड्डी गई है ते परिवार दे किसे जी दा अजे तक कोई सुराग नहीं मिलिया। इत्थे गऊ रख्या दल दे वल्लों भी पीड़ितां नूं बचाउण दे लई लगातार यतन किए गए, पर कोई यतन काम नहीं आया क्योंकि उदो तक काफी देर हो चुकी सी। एक कार 15 मिनट तक पानी दे उत्ते रही, 15 मिनट लगे कार नूं नहर दे विच डुब्बण च, ते उस दौरान बच्चे कार दी छत ते भी चढ़े, उन्हां ने मदद भी मंगी, आवाजा भी मारिया, पर कोई भी उन्हां दी मदद नहीं कर सकिया क्योंकि उत्थे कोई भी गोताखोर मौजूद नहीं सी ते पानी दा वहा काफी तेज सी, जिस करके बच्चे भी बाद विच पानी च डिग गए अते सारा दा सारा परिवार ही इस नहर दे पानी च डुब गया है। फिलहाल उन कार दे नंबर तो पहचान कीती जाएगी ते तलाश कीती जाएगी कि आखिर ये परिवार कित्थों दा रहन वाला सी। 4 तो 5 जी दसे जा रहे ने इस कार दे विच सवार सन, जिन्हां च बच्चे भी शामिल सन, ते सारा दा सारा परिवार ही इस नहर दे विच लापता है। ये गाड़ी जैसे लोगों ने बताया अलीगढ़ की तरफ से आ रही थी और आगरा नहर के उस कॉर्नर पे अनबैलेंस होकर के, पता नहीं किस कारण से अनबैलेंस हुआ है, गाड़ी उसमें कूद गई है और उसमें जो लोग थे उनमें बच्चे भी हैं। बाद में वहाँ एक ही आदमी था बेचारा, उसने उसकी छोटी सी एक वीडियो क्लिप बनाई, उसमें दो बच्चे निकल करके गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए अपने बचाव के लिए, लेकिन जब पानी वो पलटने लगी तो वो नीचे गिर गए और वो बच्चे और वो पूरा परिवार, उसमें अंदाजा ऐसा है कि एक गाड़ी में 4-5 लोग हैं, लेकिन उनको रात भर ढूंढने पर भी कोई नहीं मिला है। पानी का बहाव तेज है, इस नहर के बारे में हमें बहुत ज्यादा पता है, गाड़ी अब मिली है, लेकिन रात भर यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ी और हरियाणा पुलिस के लोग, पत्रकार बंधु और गांव के इलाके के लोग यहाँ पर खड़े थे, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी, क्योंकि पानी बहुत तेज बह रहा है, पानी ज्यादा है और काला पानी है, इसमें कुछ नहीं मिला। मौके पर तुरंत अगर गोताखोर आ जाते तो हो सकता है कि सतह में जाकर के ढूंढा जा सकता था। कहाँ का परिवार है ये? परिवार का भी हमें नहीं पता ये कहाँ के लोग हैं, और गाड़ी से पता चलेगा वहाँ क्या नंबर है गाड़ी पर, हरियाणा की है तो 4-30 होगा या 29 होगा। लगता है कि मौत हो चुकी होगी क्योंकि बिल्कुल 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 इसमें तो पत्रकार साहब, जैसे भी कोई आदमी गिरता है और अगर उसकी सांस घुट जाए तो 1 या 2 मिनट में ही प्राण निकल जाते हैं, इसमें बचने का कोई संभावना नहीं है। अगर फर्स्ट एड के रूप में उसी टाइम जिला प्रशासन ने यहाँ पर रात भर अग्निशमन की गाड़ी और पुलिस के लोग खड़े रहे, गोताखोरों को सरकार ने लाने का प्रयास किया, लाए भी गए हैं और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर के यहाँ काम कर रहा है और क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर निरंतर खड़े हैं और मदद करने के लिए खड़े हैं। उस टाइम अगर कोई तैरने वाला आदमी होता तो 2-1 बच्चों को तो कम से कम बचाया जा सकता था।